Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सबसे पहले मैं, क्योंकि हम थोड़ा सा towards the early stage बात कर रहे हैं, तो एक चीज बहुत important है जो मुझे संजय मंजुल जी ने भी बोली थी इस शो पे, कि there is a possibility कि जो हमको excavation में चीजें मिल रही हैं, जो proof, जो evidences मिल रहे हैं, there is a possibility that ये parallel हैं. खासकर हरप्पन सिविलाइजेशन और महाभारत, ये पैरेलल हो सकती है, सेम टाइम पे हो सकती है. इसके हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं और हम बहुत जल्दी कंक्लूजन में, वक्त लगेगा लेकिन जल्द कंक्लूजन पे. बट इट्स एट एक्सकेवेटिंग स्टेज, सो इट्स नॉट गुड फॉर मी एज अ हिस्टोरियन टू मेक एनी कॉन्क्रीट रिमार्क. लेकिन आपने महाभारत की बात की, तो मैं क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, वो मंजुल विल बी एबल टू, बट एज अ हिस्टोरियन आई वॉन्ट टू टेल यू व्यूअर्स कि कृष्णा का सबसे पहले हमको हमारे धार्मिक ग्रंथों में सबसे पहले कब उनका नाम हमारे सामने आता है, तो नाम सामने आता है छांदोग्य उपनिषद. छांदोग्य उपनिषद कहा गया है इतिहासकारों ने कि 9000 या 8000 ईसा पूर्व, इसका मतलब वो 11000 साल लगभग पहले की है. तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है देवकी पुत्र कृष्णा. अब देवकी पुत्र कृष्णा तो एक ही है, तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है देवकी पुत्र कृष्णा के गुरु का नाम ये है. गुरु का नाम देते हैं और ये भी बताते हैं कि गुरु ने देवकी पुत्र कृष्णा को क्या शिक्षा दी. और हैरानगी की बात है कि गीता उपदेश में देवकी पुत्र कृष्णा ने लगभग वो ही उपदेश दिया जो, तो अब महाभारत का तो एक्चुअल एविडेंस मंजुल बताएंगे, लेकिन टेक्स्चुअल एविडेंस छांदोग्य उपनिषद में है.